भारत के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया पहला चंद्र मिशन, जिसे चंद्रयान या चंद्रयान 1 कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के लिए इसरो के द्वारा चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया पहला चंद्र मिशन, जिसका नाम चंद्रयान या चंद्रयान 1 कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम अभी इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो चंद्र मिशन है भारत का, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था और इसका जो है परिणाम क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसी कारण से आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, याद कर लेना है। तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो मिल जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चंद्रयान या चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रमा के लिए चंद्रयान का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से PSLV C-11 के जरिए किया गया। तो दोस्तों, ये जो है चंद्रयान का जो प्रक्षेपण हुआ था वह हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको सार भी कहते हैं, जो श्रीहरिकोटा से किया गया था। और जिस रॉकेट के द्वारा इसे किया गया था प्रक्षेपण, उसका नाम है PSLV C-11। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, PSLV C-11 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया अंतरिक्ष केंद्र सार से। इसका जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं आप। तो चंद्रयान के मुख्य उद्देश्य, चंद्रमा पर बर्फ और पानी की तलाश करना, हमेशा छाया या अंधेरा में रहने वाले भाग का अध्ययन करना, चंद्रमा के चट्टानों में रसायनों की पहचान करना, चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए। तो दोस्तों, ये जो है चंद्रयान के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पर बर्फ और पानी की तलाश करना, हमेशा छाया और अंधेरा में रहने वाले जो भाग है चंद्रमा का, उसका अध्ययन के लिए इसको भेजा गया था। साथ ही साथ यहाँ जो चंद्रमा पर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ पर रसायन कुछ कुछ मिलते हैं, या तो फिर क्या क्या मिलती है, इसकी संभावना क्या है, इसको पहचान करने के लिए इसको भेजा गया था। और साथ ही साथ में चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ही चंद्रयान को भेजा गया था इसरो के द्वारा। दोस्तों, प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लगा। तो दोस्तों, इसको जो प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, उसके बाद से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए इनको 5 दिन लगा, मतलब चंद्रयान को 5 दिन लगा, और चंद्रमा की कक्षा में पूरी तरीके से स्थापित होने में इसे 15 दिनों का समय लग गया। तो ये जो है 15 दिन और 5 दिन आपको ध्यान रखना है। इस तरह भारत छठा सफल देश बन गया जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। तो इस प्रकार से भारत जो है 6 नंबर का देश बन गया पूरे विश्व में, जो कि चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हो गया। तो भारत छठा देश बन गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, याद करना है, 6 नंबर का देश है भारत। भारत से पहले जो है कौन कौन से देश इस प्रकार के काम करने में सफल हुए थे, तो उनके नाम है अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान और चीन। तो ये जो देश हैं, अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान और चीन, ये पहले ही चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हो चुके हैं। उसके बाद में भारत छठा सफल देश बन गया है। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास वाला विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक के मंगलोर के वयालालू में की गई है। तो दोस्तों, ये जो है अंतरिक्ष से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 11 पेलोड युक्त जो है 32 मीटर व्यास वाला एक विशाल एंटीना की जो स्थापना हुई है, वह कर्नाटक राज्य के बेंगलोर के वयालालू में की गई है। तो ये आप लोगों को नाम रखना है, कर्नाटक के बेंगलोर के वयालालू में, जो कि 32 मीटर व्यास वाला एक विशाल एंटीना लगाया गया है वहाँ सिग्नल को प्राप्त करने के लिए। यह 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए लगाया गया था। तो ये जो 11 पेलोड युक्त लगाया गया था, वो 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए लगाया गया था। जितने भी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजी गई थी, उन्हें सारी जानकारियों को ये सिग्नल प्राप्त करने के लिए ही इनको लगाया गया था। दोस्तों, चंद्रयान अपने साथ मून इंपेक्टर प्रोब MIP और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी ले गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा पर भारतीय झंडा तिरंगे को स्थापित किया। तो दोस्तों, ये जो है चंद्रयान, वो अपने साथ में MIP यानी कि मून इंपेक्टर प्रोब
और साथ साथ में नेशनल फ्लैग राष्ट्रध्वज तिरंगा को भी अपने साथ में ले गया था, जो कि 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा और वहां पर भारतीय झंडा तिरंगे को स्थापित कर दिया। तो ये जो डेट है 14th November 2008, वो आप लोगों को याद रखना है, उस दिन चंद्रमा पर भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा को चंद्रयान के द्वारा स्थापित किया गया, वो भी चांद की सतह पर। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। तो दोस्तों, इस प्रकार का कार्य करने वाला इंडिया जो है फोर्थ नंबर का देश बन गया पूरे विश्व में, जिसका चंद्र मिशन के लिए यानी कि चंद्रमा के लिए जो भी अंतरिक्षयान भेजा गया और वो देश सफल भी हुआ, और साथ साथ अपने देश का जो झंडा है उस देश को वहाँ पर जाकर के स्थापित करने वाला देश में से भारत भी चौथे नंबर का देश बन गया। तो भारतीय तिरंगा को चंद्रयान ने 14th नवंबर 2008 को स्थापित किया था चांद की सतह पर। इसका कार्यकाल 2 साल का था, लेकिन संपर्क टूटने के कारण पहले ही बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो है चंद्रयान या चंद्रयान 1, इसका कार्यकाल 2 साल के लिए था, लेकिन वहाँ से इसका संपर्क टूट गया, अपने वैज्ञानिकों को संपर्क देने में असफल हो गया, तो इसी कारण इसे पहले ही बंद कर दिया गया। 24 सितंबर 2009 को चंद्रयान के M3 खनिजोग्य मैपर के जरिए डाटा से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रमा पर पानी की बर्फ होने की पुष्टि की। दोस्तों, ये जो डेट है 24 सितंबर 2009 यानी कि 2009, इस दिन को चंद्रमा के M3 खनिजोग्य मैपर, इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इसके जरिए वहाँ से एक डाटा मिली, और डाटा से मिली जानकारी के अनुसार में क्या हुआ, तो वहाँ पर यानी चंद्रमा पर पानी की बर्फ होने की पुष्टि की, यानी वहाँ पर पानी की मौजूदगी का पता हुआ, लेकिन उस समय वो बर्फ अवस्था में थी, यानी कि चंद्रमा पर पानी की बर्फ होने की पुष्टि चंद्रयान के द्वारा ही 24 सितंबर 2009 को किया गया। चंद्रयान ने चंद्रमा के सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिया। दोस्तों, चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा की सतह पर जो है पानी के कण मिले, वो वहाँ पे मौजूद हैं, इसके बारे में भी पूरा पुख्ता जानकारी दिया हमारे चंद्रयान ने, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। बाद में इस बात की पुष्टि अमेरिकी नासा ने भी की। बाद में यह जो बात हुआ यानी कि पानी के कण की मौजूदगी है वहाँ पर, इसकी पुष्टि जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भी पुष्टि कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से इसको अब मान्यता मिल गई, और यह उस समय का सबसे महान खोज हुआ, और यह जो कार्य हुआ, यह जो खोज हुआ, वह भारत का ही चंद्रयान के द्वारा किया गया, जो चंद्रमा की सतह पर पानी के बर्फ होने की पुष्टि की, और उसके लिए जो है पानी के कणों की मौजूदगी हुई, और उसके लिए पुख्ता संकेत भी चंद्रयान के द्वारा दिया गया। तो यही उस समय का सबसे महान खोज हुआ, और इस बात की पुष्टि जो है अमेरिकी नासा ने भी की। तो दोस्तों, यहाँ पर चंद्रयान के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो जानकारी है पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोग सारी जानकारी को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसका नाम चंद्रयान या चंद्रयान 1 कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है।